कुछ थोड़ा सा व्यू है आपको दिखाते हैं। तो दोस्त फिलहाल हम लोग आ चुके हैं आगरा, आगरा में हैं इस वक्त। और अभी थोड़ा सा प्लान में चेंज करते हुए हम काफ़ी मशक कंफ्यूजन, और उसके बाद पहले हुआ कि दिल्ली जाएं, क्या करें क्या ना करें, फिर ये हुआ कि भाई अब हम आगरा रुकेंगे। उसके बाद फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और घंटे भर हमने यहाँ पे बर्बाद किए। उसके बाद डिसाइड किया है अब हम जाएंगे बालाजी के दर्शन करने मेहंदीपुर, उसके बाद वहाँ से डिसाइड करेंगे कि आगे हमें ट्रिप पे जर्नी कंटिन्यू करनी है कि स्टे करना है, मतलब वापस आना है। तो भगवान जी के दर्शन करेंगे, उनका मेरा बहुत इच्छा भी थी, बजरंगबली का भक्त जी हूँ मैं। बाकी जय बजरंगबली, मिलते हैं आगे आपसे। हाँ तो भाई दोस्त, देखो नाश्ता आ गया है, आलू का पराठा है, ये देखो खाते हैं बताते हैं कैसा है। ठीक है, मिर्चा ज़्यादा है फिलहाल, यही रहा भाई। अभी मेहंदीपुर रुकेंगे, यहाँ से कुछ 113 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटे लगभग लगेंगे वहाँ रुकेंगे, फिर जयपुर जाएंगे, बालाजी के दर्शन करने थे तो भी हो जाएंगे। तो दोस्तों नाश्ता हो गया है और राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। मेहंदीपुर इज 130 किलोमीटर्स, 2 hours राइड, 2 hour 24। 8 हो गया नाश्ता करके, अच्छा लगा, काफ़ी देर से भूख भी लग रही थी, भयंकर वाली वो भी भाई साहब। सुबह सिर्फ एक पराठा खा के निकले थे और अभी भी सिर्फ पराठा ही खाया। पराठा इसलिए खाया क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने का मन था नहीं। मथुरा है 37 फ्रॉम हेयर, अगर हम मथुरा भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब अच्छा लग रहा है, पता ही क्या, एक्सप्रेस वे पे जब चला रहे थे ना, पूरा एक्सप्रेस वे खाली था, मतलब हम अकेले थे, तो मन एकदम वो आ रहा था कि भाई यार मज़ा नहीं आ रहा, क्या करे, वापस वो लेके घर चले जाए, ऐसा सा सीन हो गया था। मतलब एक पॉइंट ऑफ द टाइम ये ऐसा हुआ था कि मैं बस मन हो गया था कि घर चल जा ही रहा हूँ। एक तो पहली सोलो है और वो भी सबसे लंबी इस बार की, इससे पहले जो छोटी मोटी की है और साथ में की है, तो एकदम हिम्मत ही आ गया था यार। फिर पता नहीं कहाँ से मुझे बालाजी का नाम याद आया, मैंने सोचा कि जय बजरंगबली का नाम लो और चल पड़ो, उसके बाद देखेंगे। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम चलेंगे। अब इतनी दूर आ गए हैं, आगरा तो ऑलरेडी घूम चुके थे, आगरा रुकते तो कोई मतलब नहीं था, घूमने का मन भी नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी घूम चुके हैं। अब अकेले क्या यही चीज देखे बार बार, अब कोई और लोग आए तो उनके साथ घूमने में भी मजा आए। फिर दिमाग में आया कि भाई अब इतनी दूर आ गए तो बालाजी के दर्शन कर ही लेते, करके ही जाएंगे, अगर वापस जाना ही होगा तो दर्शन करके जाएंगे। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यही है, अब कुछ दिखा रहा है 2 घंटा 22 मिनट है, ये तो कर लेंगे, 2 घंटा कोई दिक्कत नहीं है, इस रोड पे तो आराम से हो जाना है। काफ़ी बीच बीच में रुक लेंगे एक दो जगह पे, 50 किलोमीटर पर रुक लेंगे, फिर आगे पहुंच लेंगे। आज वहीं स्टे करेंगे, फिर कल सुबह निकल लेंगे, वहां से 2-3 घंटे दिखा रहा है जयपुर, फिर जयपुर निकल लेंगे और जयपुर जाके रुकेंगे, यही रहेगा। तो फिलहाल बस यही है मेरे दोस्तों। रिकॉर्डिंग टाइम कितना दिखा रहा है देखे जरा, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है अभी, बहुत भाई आराम से पहुंच, मैं इसको लैपटॉप में ट्रांसफर भी कर लूंगा। अभी मैंने मैप गलत लगा लिया था, मैंने मैप लगा लिया था मेहंदीपुर का, और मेहंदीपुर खाली 30 किलोमीटर ही दिखा रहा, मैंने कहा यार बहुत सही है चल लेते। फिर यहाँ पहुंचे, अब सही बताओ, अगर ओरिजिनल बालाजी मंदिर लगता उस जहाँ जब पुल पे थे, एक्सप्रेस वे लिंक रोड पे थे, तो
शायद उतना मन ना करता जाने का, लेकिन वो कहते हैं ना भगवान ही करते हैं जो करते हैं, वही हुआ। मैंने मैप लगा मेहंदीपुर वाला जी, मेहंदीपुर लगा और मेहंदीपुर दिखा रहा था 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो ये हुआ 60 किलोमीटर, तो पास ही है, चल लेते, क्या टेंशन है। अगर उस समय 200 दिखा देता तो मन में आता यार अब छोड़ो बाद में देखेंगे, अब वो 50 दिखाया। यहाँ पे आया जब खाना खा रहा था, मैप पे लगाया, देखा 111 किलोमीटर। फिर मैंने कहा चलो भैया बजरंगबली को याद करो, उन्होंने बुलाया है, अब चलते हैं। तो अब मेहंदीपुर में जाकर बढ़िया दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ओरिजिनल राइड की शुरुआत करेंगे वहां से। जय बजरंगबली। यार मैप भी क्या घड़ी चीज है भाई, बता ही नहीं रहा है साला, मुड़ना है। यहाँ तो ट्रैफिक मिल गया दोस्तों, और लंबा चौड़ा ट्रैफिक है। ये देखो कैसे खेती हो रही है इधर, तो सही दिख रहा है यार, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क। तभी 2 घंटा दिखा रहा है भाई, मैं सोचू 100 किलोमीटर में 2 घंटा क्यों दिखा रहा है यार, 100 तो हम ऐसे ही खींच देते अभी 1-1.5 घंटे के अंदर। और कीड़े मैंने कम से कम 3 बार साफ किए अपने वाइजर पे, इतने कीड़े चिपके हैं आके भाई साहब, पतंगे पट 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 विशाला। ये देख रहे हो रोड, देखो भाई कैसी है, वो डामर बना के इस पे लग रहा है वो चला दिया गया है, क्या वो ट्रैक्टर नहीं होता जोतने वाला जो खेत जोतते हैं भाई, कितनी खराब रोड है यार ये, इसमें तो 40 के ऊपर भी नहीं जाएगी बाइक भाई, बहुत खतरनाक रोड है यार ये बाइक के लिए तो। भाई साहब तगड़ा, हीरो की कमी नहीं है भाई अपने यहाँ। हेलमेट को पीछे करके टोपी लगा के मस्त भाई दोनों हाथ जोड़ के चला रहा है। ओ चाचा जी इलेक्ट्रा आइस, एक बहुत ही खूबसूरत सा गेट है आपके सामने, ये देखिए बालाजी जाने से पहले भरतपुर में आपका स्वागत है, यह है भरतपुर और यहाँ से है 82 किलोमीटर। भरतपुर में आपका स्वागत है। बे यार ये कुत्ते साले, ओ भाई साहब अब दिखा यार व्यू यार, गजब पहाड़ दिख गए सामने, देख रहे हो मिट्टी वाले पहाड़ है पत्थर वाले, अबे किला है भाई उस पे, 19 किलोमीटर बचा है बालाजी मंदिर। कुछ अच्छा दिखा यार, कुछ अच्छा दिखा, शुक्रिया भगवान। भेड़े 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 और भेड़े, कहाँ जा रही हो दीदी, देख रहे होगे दोस्तों। भाई साहब 10 घंटे कंटिन्यूस राइड के बाद ये हालत हो गई है। फिलहाल मेहंदीपुर बालाजी पे हैं, आज रुकेंगे यहीं पर ही, दर्शन करेंगे, धर्मशाला मिल गई है बढ़िया। और मेरी बाइक भी देखो कहाँ पार्क हो गई है, ये रूम है और वो रही धन्नो अपनी, और कुछ सामान हम लोग ने फैला लिया है, चार्जिंग में लग गई हैं चीज़ें। आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर नहा धो के जाएंगे बालाजी के दर्शन करने, मिलते हैं आगे। हाँ तो दोस्त बालाजी मंदिर की मार्केट है ये, आ चुके हैं, बहुत भीड़ है भाई, अभी टाइम हो रहा है 7:50, भूख बड़ी तेज़ लग रही है, अब जल्दी से दर्शन करके
कुछ खाना खाया जाएगा। देखो भाई थाली आ गई 60 रुपए की, मस्त है। जयपुर में आपका स्वागत है दोस्तों।